अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात बताया है। अब बदतमीजी मत करिए, रखिए फोन। अम्मा जी कहाँ बोले पंडित रामफल? अब वो कह रहे थे कि बैल का जो है दोष पूरा दूर हो गया है बिटिया, अब भैंस से शादी कराने का कोनो जरूरत नहीं है। हाय दिया, ये तो बहुत ही अच्छा बात है। अरे भगवान भला करे पापा पंडित रामफल का। लेकिन अम्मा जी ये जो इतना सारा ताम झाम किए हैं वो का होगा? अरे वो ना का है, मना कर दो। लेकिन उन लोगों को बुरा लगेगा ना? अरे वो जाए घुइया के खेत में, तुम्हें उनकी फिक्र है कि हमरी? लेकिन वो रेशमा दीदी का दे आप ही का तो फिक्र है। हाँ तो ठीक है, हमरा फिक्र है तो काय, कल सुबह जाएंगे साफ साफ मना कर देंगे कि ये शादी नहीं हो सकती। हट। बोलो ना मासा जी को। नहीं बोल दो ना यार, तुम भी तो बहू हो उनकी। शर्म आती है ना मुझे। क्या शर्म, अपनों से क्या शर्म यार, चले। हाँ भाई खचड़ू, क्या खुसुर-फुसुर कर रहे हैं भाई, हमें भी तो बता हैं। एक्चुअली क्या आपकी गोरी बच्ची आपसे कुछ कहना चाहती है लेकिन शर्मा रही है। हाँ तो मेरी गोरी बच्ची बोलो क्या कहना चाहती है बेटा, खुल के बोलो, शर्मा मत। कम ऑन मासा जी, देखे ना मेरी तो ननन जी की शादी है। कौन सी ननन? मैं रेशमा ननन जी की बात कर रही हूँ। अब देखिए ना, विभू ने रेशमा जी को अपनी बहन माना है। हाँ तो ना मानते हुए भी वो मेरी ननन जी तो हुई। वाह वाह मेरी बच्ची, जुग जुग जियो, मतलब तेरी बात सुनकर ना मुझे इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है ना कि मैं बयां नहीं कर सकता। बेटा तुम रेशमा से कितना प्यार करती हो बताओ। बहुत बढ़िया। ये रेशमा से नहीं, आपकी दौलत से प्यार करती है। कुछ बोला बेटा? नहीं मौसा जी, मैं ये कह रही थी कि देखिए मेरी ननन जी की शादी है तो मेरे भी तो कुछ अरमान है। हाँ तो बताओ बेटा क्या अरमान है, खुल के बोलो। मौसा जी मैं ना शॉप पर गई थी तो मैंने वहाँ एक बहुत खूबसूरत डायमंड का नेकलेस देखा और मैंने सोचा कि मैं रेशमा जी की शादी पर वही पहनूंगी। ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 लाख रुपए का है। बस 10 लाख खरीद लो, खरीद लो। मौसा जी मुझे भी एक शेरवानी चाहिए और एक साडो वॉच। अरे बेटा तुम साडो की बात कर रहे हो, तुम ना टोलेक्स पहनो। अरे तेरी बहन की शादी है यार। मौसा जी तो पैसे दे दीजिए ना, फिर हम इन सब का पेमेंट कर देंगे। या। पैसे? तो बेटा तुम दोनों के नाम मैं 50 करोड़ करने वाला हूँ। कहाँ तुम अठन्नी चौन्नी की बात कर रहे हो हैं? बस एक बार रेशमा को ना डोली में बैठ जाने दो, फिर देखो। ठहरिए। रेशमा आप डोली में नहीं बैठेगी। दिया, तिवारी जी आप ये क्या कह रहे हैं? हम बेहद क्षमा चाहेंगे भाभी जी, लेकिन अब हम ये शादी नहीं कर सकते। शादी नहीं कर सकते? शादी नहीं कर सकते? अभी तो मेरे बहन के हाथों में मेहंदी, मतलब खुरों में मेहंदी मेहंदी लगी है। अच्छी बात है ना कि तुम आपकी बहन के खोरों में मेहंदी नहीं लगी है, अगर मेहंदी लग जाती तब मना करते तो गलत बात होती ना। छोड़िए। अरे पर मेरी रेशमा से शादी क्यों नहीं करना चाहते हो तुम? देखिए मौसा जी बात ये है ना कि हम अपना इरादा बदल दिए हैं। अरे अंगूरी जी प्लीज ऐसा मत करिए, अगर आपका इरादा बदल जाएगा तो यहाँ तो बहुत कुछ बदल जाएगा। सॉरी सॉरी अनीता जी, लेकिन बात ये है ना कि लड्डू के भैया और वो भैंसिया हमरा मतलब है कि वो रेशमा का अगर शादी हो गया ना तो हमरे घर में तो बहुत कुछ बदल जाएगा। हाँ और जिस वजह से हम रेशमा से शादी करने क्या कर रही हो? हाँ बात को आगे ना ही बढ़ाइए, चलिए चुपचाप खबर दे दिया ना। तो मौसा जी भाभी जी भभूति जी हम ये कहना चाहते हैं कि अब ये शादी हम नहीं कर पाएंगे। अरे तिवारी जी
आप मेरी बहन के अरमानों को चकनाचूर करके जा नहीं सकते। अरे हमने कौन सी आपकी बहन के अरमानों को चकनाचूर कर दिया है? कौन सा उसके साथ कोई डेट पर चले गए हैं? कुछ किया तो नहीं? फिर कहेगा हाँ छोड़िए चले आओ पगली। हाँ चलिए आओ, आओ चलो छोड़ दीजिए ना। कहाँ है ये मेरी रेशमा के साथ ही ऐसा क्यों होता है? प्लीज प्लीज मौसा जी प्लीज रिलैक्स। देखिए हम सब लोग संभाल लेंगे। या वी विल हैंडल इट डोंट वरी। बेटा अब तुम दोनों को ना संभालना ही पड़ेगा। अगर तुम दोनों को 50 करोड़ चाहिए तो इस मैटर को संभालना ही पड़ेगा, नहीं तो फूटी कौड़ी तक नहीं मिलेगी, समझे? अरे मौसा जी ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? हाँ क्योंकि तुम तिवारी जी का रिश्ता लेकर आए थे। मुझे क्या पता था कि वो आदमी अचानक क्रिकेट का रंग बदल लेगा। तो मुझे नहीं पता तुम उन्हें किसी भी तरह मनाओ शादी करने के लिए। उनका थोड़ा देखे लग रहा था कि वो इस बार शादी के लिए मानने वाले नहीं है। That is your problem. मुझे नहीं पता तुम कैसे भी मनाओ, चाहे उनके कनपटी पे पिस्तौल दिखाओ या फिर उन्हें खरीद लो, तुम तिवारी जी की शादी रेशमा से कराओगे बस। एक बात याद रखो विभू, 50 करोड़ के लिए मैं किसी का मर्डर भी कर सकती हूँ। पगली आज हम बहुत खुश हैं, हमारे सर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। सच्ची लड्डू के भैया हमको भी ना बहुत ही हल्का हल्का महसूस हो रहा है, ना ही तो ना सारा जिंदगी हमको बहुत उल्टी फील होता। वो गिल्टी फील होता है। सही पकड़े हैं हमने भी सर से ना, जैसे एक तो बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। चलिए ऊपर वाले की महान कृपा है, कम से कम ये बोझ हमारे सर से हटा तो सही। तिवारी जी मैं आपके पांव पड़ता हूँ, ये बोझ मत हटाइए अपने सर से। तिवारी जी अगर आपने रेशमा से शादी से इनकार कर दिया तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। आप कैसे बर्बाद हो जाओगे भाई? लोग मुझ पे लानत भेजेंगे, मोहल्ले में लोग थूकेंगे मेरे मुंह पे। अरे लानत भेजे थूके, वो तो वैसे भी थूकते हैं, इससे हमें क्या लेने देना। चलिए जाइए यार। क्या लेने देने? कैसे नहीं है, रेशमा ने आपको अपना पति मान लिया है। तो क्या क्या मान दिया यार, हम नहीं मानते वो सब। हटो मत भूलिए तिवारी जी की आपकी उसके साथ सिंग सेरेमनी हो चुकी है। तो कोनो शादी तो ना ही हुआ ना भाभी जी? सिंह सर्वे का मतलब है कि आधा पति उसका हो गया, 50% तिवारी जी उसके हैं, मतलब कमर के ऊपर का हिस्सा उसका हो गया। ऐसे कैसे उसका हो गया? बड़े आए हमने कह दिया ना नहीं मानते तो नहीं मानते। अरे यार तिवारी जी प्लीज आपके पांव पड़ता हूं, प्लीज डोंट डिसअपॉइंट मी तिवारी जी प्लीज। अरे यार आप जाइए ना, ऐसा नहीं मानते तिवारी जी। एक बात कान खोल के सुन लीजिए, अगर आपने मेरी बहन रेशमा से शादी नहीं की ना तो अन्नो जिंदगी भर आपका थोबड़ा नहीं देखेगी। आपको क्या करना है सुनो बेटा, चलता हूं भाभी जी। संजय जी कुछ कीजिए ना, देखिए ना आपकी तो अलीगढ़ में इतनी पहचान है, कोई अच्छा सा लड़का बताइए ना जो रेशमा से भैंस से शादी करने के लिए तैयार हो जाए। हाँ अच्छा चलिए ठीक है, मैं आपको ना 5 लाख रुपए कैश दूंगी। हाँ 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 ओके ओके। तिवारी जी, तिवारी जी छुपने की कोशिश मत कीजिए, मैंने आपको देख लिया है। आप छुपने की कोशिश कर रहे थे ना? नहीं भाभी जी छुप नहीं रहे थे, क्या है कि वो बेडरूम में मोबाइल रख के कहीं भूल गए तो वो खोजने आए थे। सो स्वीट। आपके हाथ में क्या है? देखिए आपके हाथ में शायद मोबाइल ही है ना। ये ई वो करना बंद कीजिए, तिवारी जी भी शादी कर लीजिए ना। भाभी जी हम बेहद क्षमा चाहेंगे, हम ये शादी नहीं कर सकते। अरे लेकिन क्यों? आप सिंग सेरेमनी में कितने खुश नजर आ रहे थे। हाँ कितनी प्यारी लग रही थी आपकी और रेशमा की जोड़ी। क्या हुआ अचानक? हम बता चुके हैं भाभी जी, एक बार आपको फिर बता देते हैं कि ये दरअसल एक ग्रह दोष दूर करने के लिए उपाय किया जा रहा था भाभी जी। अब वो तो ऊपर वाले की महान कृपा रही कि वो सिंग सेरेमनी से ही बात बन गई। अब जब बात बन ही गई है
तो फिर शादी करने की क्या जरूरत है बताइए। तिवारी जी आपकी बात बन गई है, लेकिन आपकी शादी न करने से हमारी बात तो बिगड़ जाएगी ना। माफ कीजिएगा, हमको समझे नहीं, मतलब आप हमारी और वो भैंस की शादी को लेकर इतनी जज्बाती काय हो रही है। अरे तिवारी जी मैं जज्बाती नहीं हो रही हूँ, वो दरअसल कोई बात है। क्या क्या बात है भाभी जी, कहीं वो भभूति जी के मौसा जी आपको ब्लैकमेल तो नहीं कर रहे? बताइए, कर रहे हैं क्या ब्लैकमेल हम? अरे नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या बात है भाभी? देखिए ऐसे खामोश खड़ी मत रहिए, हमें बताइए क्या बात है, कारण तो बताइए। अब तिवारी जी आपसे क्या छुपाना, दरअसल बात यह है कि अगर आप रेशमा जी से उस बहन से शादी कर लेंगे ना, तो हमें मौसा जी पूरे 50 करोड़ रुपए देंगे, और अगर आप शादी नहीं करेंगे तो मौसा जी हमें फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। तब वो मौसा जी आपको 50 करोड़ रुपया देंगे? हाँ। एक्चुअली तिवारी जी मेरे पास ना आपके लिए बहुत अच्छा ऑफर है, अगर आप रेशमा से शादी करेंगे तो मैं आपको पूरे 5 करोड़ रुपए दूंगी। है ना जबरदस्त ऑफर? सोचिए। सोच के बताते हैं भाभी जी। अरे बाप रे, ऐसा क्या देख लिया मेरे हाथों की लकीरों में जो? अरे बाप रे। अरे चचे, तुम्हारे हाथन में ना लकीरें करी 125 स्त्रियों को योग है। हाँ तो कौन सी बड़ी बात है भाई, 75 स्त्रियां तो अब तक आ चुकी हैं जिंदगी में, 50 और आ जाएंगी। अभी तो मैं जवान हूँ। जवान हो? तुम्हें पता तुम्हारी आदन की रेखा क्या कह रही है? कि तुम आखिरी सांस तक भोग विलास करोगे। बिल्कुल भाई, मैं तो ऊपर जाने के बाद स्वर्ग में भी जो है मजे लूंगा। स्वर्ग में? कौन भेज रहे हो तुम्हें स्वर्ग में? तुम्हें नरक में भी जगह ना मिलेगी, समझ रहे हो? घूसट बूढ़े है रहे हो। दिमाग खराब है तेरा? देख काम जो कह रहा है हाथ वो कह रहा हूँ मैं। अबे तू क्या भगवान का भतीजा है? अरे तो मुझे नरक में पहुंचा रहा है। हाथन की रखी कह रही है। अरे तू चुप रहे। अरे चल। चाचा जी क्यों भड़क रहे हैं आप पंडित जी पर? अरे ये मुझे सीधा नरक में पहुँचाने की बात कर रहा है। क्या गलत कह रहा है? क्या कह रहा है तू? चाचा जी क्यों टाइम पास कर रहे हैं? पंडित जी आए रेशमा दीदी की शादी का मुहूर्त निकालने दीजिए। अरे कौन सा मैंने ऐसे पकड़ा हुआ है? कर भाई अपना काम कर, चल कर। अरे लेकिन मौसा जी कहाँ गए? वही तो बताएंगे क्या करना है। हाँ पंडित जी को सब बताएंगे वही। मौसा जी मौसा जी आ गए। अच्छा गुड लुकिंग गाय है इधर डूड। हट, ये अभी तक यहाँ पड़ा है? तुझे क्या परेशानी है भाई? तुम मुंह बंद कर ले। चुप रह। हट, चल। हट। प्लीज प्लीज मौसा जी, चाचा जी, इतना शुभ वक्त है, क्यों आप लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं? कोई बहस नहीं होगी, कोई लड़ाई नहीं होगी, बस अब शादी की तैयारी होगी। हाँ हाँ बेटे, मैं ये कह रहा था भाई लड़के वालों की राय जान लेते हैं, उनको शादी करनी है कि नहीं ये भी तो पूछ लें। अरे नहीं नहीं मौसा जी, क्यों फिक्र करते हैं आप, शादी तो होनी ही है। तिवारी जी पर मुझे पूरा यकीन है, वो जरूर शादी करेंगे। 5 करोड़ के सामने नतमस्तक हो गए। कबड्डी भाभी जी, एवरीबॉडी कहना चाह रही है। अच्छा सही पकड़े हैं। हेलो भाभी जी। हेलो तिवारी जी। नमस्कार। नमस्कार तिवारी जी, क्या सोचा फिर आपने? सर जी बताइए ना, देखिए वक्त नहीं हमारे पास, सस्पेंस मत क्रिएट कीजिए, बताइए बताइए। हाँ बोलिए। अरे बेटा बोलो, कुछ तो बोलो। हैं बोले तिवारी जी, प्लीज स्पीक अप। भाभी जी हमें ये शादी मंजूर है। यस 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 वी डिड इट। चलो अच्छा है भाई। भाभी जी मुबारक हो। तिवारी जी बहुत बहुत मुबारक हो। कंगारू रेस्ट लड्डू के भैया। ये तो कंगारुओं को रेस्ट करवा रही है। चाचा जी अपनी कॉमन सेंस इस्तेमाल कीजिए, यूज योर गॉडडैम कॉमन सेंस। वो कंग्रेट्स कहना चाह रहे हैं। सही पकड़े हैं।
समझ गया। भाई जरा एक मिनट, जरा साइड में आएंगे आप? क्या हुआ तिवारी जी? भाभी जी अगर थोड़ा एडवांस मिल जाता तो। हाँ हाँ ये लीजिए ना। हाँ यार ये क्या है? क्या ये 100 रुपये एडवांस दिए हैं आपको? इतना एडवांस बस? कम से कम 50 लाख तो दीजिए ना भाभी जी। तिवारी जी आप समझने की कोशिश कीजिए, आप भरोसा कीजिए, आपको मुझे भरोसा है ना? देखिए जैसे ही मेरे अकाउंट में पैसे आएंगे मैं तुरंत आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगी। चल थक गया होगा, आराम कर ले। फिर से बोल रहे हैं आप, कोई तोता ना ही पालिए, बहुत बुरे फंसेंगे। चिंता काहे कर रही हो भाई, 5 करोड़ तो आएंगे ना। अरे बेटे सब ठीक तो है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं? कोई 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 परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम्स, नो प्रॉब्लम्स, सब फर्स्ट क्लास है, सब फर्स्ट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो ठीक है भाई, एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवा लेते हैं, हैं? ठीक। अब भाई खचड़ू, अब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि रेशमा की शादी होगी। एक्सक्यूज मी, यह शादी नहीं हो सकती। What? क्यों भाई? Excuse me, मिस्टर, आप हैं कौन शादी रुकवाने वाले? मेरा नाम शेर सिंह बागमारे है और मैं एनिमल राइट्स डिपार्टमेंट की तरफ से आया हूँ। अरे यार कैसी बातें कर रहा है तू? तू एनिमल राइट्स में जो है काम कर रहा है, तेरा नाम है बागमारे? अबे सुन, तू अपना सरनेम बदल ले भाई, ये बाघ मारे की जगह बाघ धरे रख ले। ओफो चाचा जी, पॉइंट पे आइए ना। देखिए हमें पता लगा है कि यहाँ पे अप्राकृतिक शादी हो रही है। हाँ। अप्राकृतिक? प्रकृति के नियमों के विरुद्ध, यानी कि एक इंसान की शादी एक भैंस से हो रही है और मैं इस जुर्म में आप सभी को अरेस्ट करता हूँ। हम बोले थे ना आपको, बोले थे आप। चलो चलो, बड़ा शौक चढ़ाए भैंसिया से साथ। बाघ मारे जी, आप बात समझने की कोशिश कीजिए, हमारे यहाँ कुछ मजबूरी है। सॉरी मैडम, कांट हेल्प इट, नियम नियम होते हैं। यार कुछ खा पी लो। तो मैं जेल में उठा के ना डाल दूं? यार देखो मैं तो ऐसी जनरली पूछ रहा था। आप मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हैं? कोशिश तो कर रहा था लेकिन ऐसे पूछ रहा था बस, ऐसे। पूछना भी गुनाह है। एनीवे, अब मैं जरा मिस भैंस से कुछ बातें कर लेता हूँ। क्या नाम है इनका? इनका नाम रेशमा जी है। मिस रेशमा, हेलो। शेर सिंह भागबारे दिस साइड, एनिमल राइट्स डिपार्टमेंट। कैसी हैं आप? सम क्वेश्चंस। मिस रेशमा ये बताइए कि यहां पे आपको जबरदस्ती रखा गया है? मिस रेशमा, क्या आप यहां पे खुश नहीं है? लास्ट क्वेश्चन, मिस रेशमा, ये जो बुजुर्ग आदमी है क्या ये आपको परेशान करता है? रेशमा, मैंने तुझे कितने नाजों से पाला है, मखमल के गद्दों पर सुलाया है, जिस थाली में मैं खाता था उसी में तुझे खिलाया है, 36 प्रकार के भोजन कराए हैं, इसके बावजूद भी बड़ी दिस रेशमा, नॉट फेयर। अरे यही तो गलती कर दी अंकल जी आपने। किसने कहा है कि जानवर को VIP ट्रीटमेंट दीजिए, इंसानों जैसा ट्रीट कीजिए। अरे जानवर को जानवर की तरह ट्रीट कीजिए ना, है? उसको VIP ट्रीटमेंट देंगे आपको दुश्मन समझने लगेगा वो। क्या जरूरत है 36 तरह का भोजन कराने की, जानवर को उसका प्रिय आहार ही खिलाइए, दैट इज घास। हाँ, और खुद भी खाइए। ना
अब मैं कुछ खिलाऊंगा पिलाऊंगा नहीं, मेरा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म इसके साथ नहीं। नंबर आई है रेशमा, वेरी बैड। विभु, हमारे 50 करोड़। Baby, don't worry. Don't worry. चाचा जी है ना आपने? मैंने कहा चाचा जी, वो करोड़ रुपए